किया गया वह फूल बंगला भी सजाया गया। माँ कामाख्या को 56 भोग किए अर्पित फूलों और रंगीन सजावट से सजा माँ का अलौकिक दरबार मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करते श्रद्धालु। ये नजारा था सोमवार को हाथीघाट स्थित माँ कामाख्या देवी मंदिर का। शुभारंभ मंदिर के महंत अमित शर्मा, चरण सेवक अशोक कुमार अग्रवाल, लादू खेड़ा और कृष्ण मुरारी मित्तल ने माँ की पावन आरती उतार कर की। महंत अमित शर्मा ने बताया कि कामाख्या मंदिर में माँ की पूजा भगवान शिव की नौ वधु के रूप में की जाती है। इस मंदिर में नौ देवियां विराजमान है। बेहद सिद्ध और चमत्कारी माने जाने वाले इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मुराद पूजा पूरी होती है। चरण सेवक अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि नए साल की शुरुआत पर मंदिर में दिव्य 56 भोग फूल बंगले सुंदर कांड और भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्र को बिजली की रंग बिरंगी झलाकों के साथ सजाया गया। संगीतमय सुंदरकांड में 108 हनुमान चालीसा पाठ कर नए साल पर श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ प्राप्त किया। सुबह से देर रात तक कामाख्या देवी और 56 भोग के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर नीरज गुप्ता, प्रांशु अग्रवाल, बीना अग्रवाल, हर्ष, आयुष, कुशाग्र, अमन आदि मौजूद रहे। अमन गुप्ता, अगला समाचार 24। भैया नववर्ष के शुभ अवसर पर देवी माँ का जागरण और भंडारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भैया का आशीर्वाद आप पूरे साल में भी ऐसे ही करेंगे। जय माता दी।